ये देखिए फरहान का अच्छा बड़ा नुकसान हो गया, फरहान फरहान की चप्पल टूट गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं वैसली मुलाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल शोर कोटिया। तो आज के व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। तो मैं जा रहा हूं वाक पे, तो फरहान ने स्कूल से छुट्टी की है स्पेशल मेरे साथ वाक पे जाने के लिए। तो पहले दिन मैं व्लॉग बना रहा हूं वाक के, क्योंकि मेरा वज़न देखे काफ़ी मेरा वज़न बढ़ गया था, तो वाक ज़रूरी हो गई अब, क्योंकि अब ज़्यादा वज़न के साथ इंसान का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो सोचा वाक शुरू करते हैं ताकि वज़न कम किया जाए और अपनी फिजिक बनाई जाए। स्कूल क्यों नहीं गया तू? ऑनलाइन चलते हैं पार्क की तरफ और वाक शाक करते हैं। और वैसे तो मुझे दो तीन दिन हो गए करते हुए वाक, लेकिन व्लॉग अभी पहले दिन बना रहा हूँ, तो चलिए पार्क की तरफ चलते हैं। जा रहे हैं हम पार्क की तरफ, धूप काफ़ी निकल आई है, वाक होती तो सुबह सुबह की है, लेकिन रूटीन बनाने के लिए जाना तो पड़ेगा। अभी 6:30 का टाइम हो रहा है। फरहान मेरे साथ जा रहा है। फरहान क्यों जा रहे हो? मैं तोते लाने। भाई मैं तोते लाने। ते लैला तेरे रोके किसी ने? चल लै झूठे भाई। ओली तोते दे इन्नी तेज ना दे, मैं दे देना वा ओली तोते दे। तो जी अभी हम पार्क में आ गए हैं और मैंने थोड़ी बहुत रनिंग की है, अभी थोड़ी एक्सरसाइज करती है। और फरहान कह रहा है मैंने पीइंग पे ले रहे हैं झूठे वगैरह झूठे। भाई ताजा प्यावा उधर दे तो ज़्यादा पारा दे तो आधा तीनों सोना लद जावा तो तीन चा पारा था। काफ़ी ज़रूरी हो गया था अब ये वॉक वगैरह करना, क्योंकि मेरा वज़न काफ़ी बढ़ रहा था और इंसान मेंटली और फिजिकली फिट ना हो तो फिर इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कि ज़रूरी है जिम और एक्सरसाइज रनिंग वगैरह, तो इसलिए फिर ये करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे और अभी थोड़े बहुत और एक्सरसाइज करके फिर घर की तरफ जाते हैं। भाई ये तो नहीं पाई आते मुंडे ने, वो तेरी जानदा जाती मारता उन्नू। तेरा बुलाया तू बदमाशी करदा? हाँ ना ना इधर कम ही नहीं पैना, शरीफ बच्चा बन के रहा कर। क्यों मारिया उन्नू? शरीफ नहीं आती डोन आ डोन। हाँ जी नहीं तू डोन, तू शरीफ बन के रह, तेरे चपेड़ा भी पैन गया। क्यों की उन्नू क्या तू? ओ तेरी गंदा तू, मैं भी आती मार। फिर गेम की पाई? हाँ गेम का कादी मतलब की गेम? हाँ कादी गेम पाई? हाँ कादी गेम पे ओ तेरी गंदा तू जाती है दें पाया ओ ओनू या तेरा ओनू भी शेड था। हाँ दर बिटे बुत तेरा ये कादी गेम हुई ओ जा वे जा वे। तो जाते जाते आपको दिखाते हैं शोरकोट कैंट का एक एक लौता पार्क। यही एक एक लौती है शोरकोट की प्रॉपर्टी है, इसके अलावा इधर कोई पार्क नहीं है, बस छोटा मोटा कोई एक दो होंगे लेकिन मेन ये एक ही है शोरकोट के अंदर। लेकिन ये भी काफ़ी खूबसूरत है, किसी से कम नहीं है ये भी। तो जी अभी हम वॉक करके बाहर आ गए हैं। तो अभी जो फरहान के साथ होने वाला है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, तो फरहान के साथ जो होने वाला है आप देखें। उठ तेन बोड़ा सह चढ़ता इधर उत्ते आ, इधर फुटपाथ के उत्ते आ, तू तो कुछ किया भी नहीं फिर तेन सह चढ़ गया झूठे रह के साथ जड़ गया। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। फरहान का बड़ा नुकसान हो गया, फरहान की चप्पल टूट गई है। ये देखिए फरहान का अच्छा बड़ा नुकसान हो गया, फरहान की चप्पल टूट गई है। एक आदमी जिसने पकड़ी हुई है, एक पाँव में चप्पल है एक में नहीं है। फरहान एन मुँह करी एक में टूटी है मैड है वह चल आप तोड़ी है। ओहो फरहान हूँ की करूँगा हूँ तेन पूरा रास्ता ना यदि तुर के नगे पैर तुर के जाना पैना। मैं मोटरसाइकिल हूँ घर खड़ा मैं कितों लैके आवा, चल तेरे पापा की दुकान से देखते हैं। अरे मगर फरहान बड़ी माड़ी हुई वैसे ध्यान ना तुरी थले कोई पैर की चीज़ ना लवा ली हूँ। चल बस कोई नहीं पहुँच जाना घर हूँ। फरहान कह रहा है मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे मुसली चला करते। फरहान इदा मुसली तुरते हैं जा रहे हैं। चल तेरे जितने चेंज कराने उतो सही है फिर घर चलते हैं, टेंशन ना ले। अभी मुँह हाथ धोया और फरहान की चप्पल चेंज की है और फिर अब फरहान को सुकून आया है। फाइनली फरहान की चप्पल चेंज कर ली है और अभी हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। फरहान को वाक महंगी पड़ गई है, वाक पे आना स्कूल से छुट्टी करना इसके महंगा पड़ गया है ना फरहान। मुड़ के ना स्कूल से छुट्टी करी दे, तेरा नुकसान हो गया।
आज तो चल चल के बस हो गई थी और फरहान की चप्पल भी रोड गई थी, फिर पप्पू के घर गए वहाँ से चप्पल चेंज किए तो काफ़ी थकावट हो गई थी। तो फिर शुक्र है आते हुए हमें ये लेमन सोडा वाला मिल गया, तो फिर इसके पास हम आ गए हैं और दो गिलास इसे लेमन सोडा के लगवा लिए। तो फरहान कह रहा था कि मुझे भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है। मैंने कहा जो नाश्ता तो घर जा करेंगे और अभी यहाँ पर लेमन सोडा के दो गिलास लगवाते हैं, यहाँ पर लेमन सोडा पीते हैं और पी के फिर हम घर की तरफ जाते हैं। और ये फाइनली हमारा लेमन सोडा लग के आ गया। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बोतल होती है मेरे ख्याल से और लीमू वाली और नमक वगैरह होता है और ये आइस क्यूब्स हैं और इसमें इतना खास कुछ नहीं था, लेकिन प्यास के लिए तो फिर ये परफेक्ट चीज़ है। और अभी हम जा रहे हैं फिर घर की तरफ। तो जाते जाते आपको सोचा कि दरबार बाबा लाहौरी शाही दिखाते चले, तो ये भी है रास्ते में आता है। तो जी अभी हम जा रहे हैं बाबा लाहौरी शाही दरबार के अंदर, आ गए हैं, एंटर कर गए हैं, तो आपको ये सारा दिखाता चलो। इस पर पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, लेकिन ये तो जाते हुए फिर रास्ते में आ गया तो सोचा इसकी वीडियो आज फिर बनाता चलूँ। और एक व्यूवर भी कह रहे थे कि मैंने ये वीडियो देखनी है आप बनाओ, तो इसलिए मैंने फिर बना दिया। ये देखिए कुछ खबरें हैं उनके मानने वालों की, उनके मरीदों की शायद होंगी। ये बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है बाबा ये लाहौरी शाही के नाम पर मस्जिद है। लाहौरी शाही यहाँ एक बुज़ुर्ग थे, उनके ये देखे मज़ार भी है। कहा जाता है कि बाबा लाहौरी शाही ने कहा था कि शोरकोट से लेकर फैसलाबाद तक इतनी आबादी हो जाएगी कि ये दूसरा लाहौर बनेगा, इसलिए इनका नाम लाहौरी शाही रखा गया। बाबा लाहौरी शाही इनको कहते हैं कि शोरकोट से लेकर फैसलाबाद तक इतनी आबादी हो जाएगी। अभी तो इतनी आबादी नहीं है, जगह जगह पर अभी तो मतलब काफ़ी जगह खाली है, अभी आबादी बढ़ रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इतनी आबादी हो जाएगी कि ये दूसरा लाहौर बनेगा शोरकोट से लेकर फैसलाबाद तक। तो ये देखें इनकी बात ये कब पूरी होगी। बाकी अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ और ये देखें दरबार कितना ये खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे सालाना उर्स भी ये करवाते हैं। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। अभी ये सामने देखें ये एग्ज़िट का गेट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और इन गलियों से होते हुए शोरकोट कैंट के ये अंदरूनी शोरकोट कैंट से हम होते हुए अपने घर की तरफ जाएंगे वापस। ये फरहान मेरे साथ साथ है, ये कह रहा था कि मैं थक गया हूँ, तो मैंने इसको कहा था कि क्यों स्कूल से छुट्टी की है और क्यों ऐसे खुद को जलील कर रहे हो। स्कूल से छुट्टी करने के बाद अभी हम ये घर की तरफ जा रहे हैं और फाइनली अभी हम घर पहुँच गए हैं। क्यों ना दे इन्ना तत्या क्यों ना उतर लदे तादे वीडियो नु लाइक करो तो सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ताव ताव सब्सक्राइब करो।